तो भाई फेस्टिवल सीजन आ चुका और काफी सारे लोग अपने घर में पहले व्हीकल की प्लानिंग करने लग जाते हैं कि अब वो एक नया फोर व्हीलर लेंगे। बट एक फोर व्हीलर लेने से पहले ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए और आप लोगों को ये सब नोट कर लेना चाहिए और इसके हिसाब से आपको अपनी कार को शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए कि आपको कौन सी कार लेनी है। तो देखो जो सबसे पहला पॉइंट है, आप लोगों को कोई कार लेते वक्त पता होना चाहिए कि अपनी नीड्स, कि आपको एक नई गाड़ी चाहिए या आपका काम एक पुरानी गाड़ी से भी चल सकता है। अगर आपको जैसे कार सीखनी है और आपको कार ड्राइविंग नहीं आती बिल्कुल भी, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा एक सेकंड हैंड कार। और साथ ही साथ अगर आपका बजट 8 लाख से नीचे का है, तो भाई इंडिया के अंदर 8 लाख से नीचे कोई भी वैल्यू फॉर मनी कार मुझे लगती ही नहीं है। मेरी पंच भी मेरे को इतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती है। तो इससे अच्छा है कि आपको 3 से 4 साल पुरानी कोई एक बढ़िया सी कार मिल जाएगी सेकंड हैंड मार्केट में। तो आपको सेकंड हैंड कार की तरफ जाना चाहिए अगर आपका बजट 8 लाख से कम है और अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो। और अगर आपने अब मूड बना ही लिया कि आप एक नई गाड़ी लोगे और पुरानी गाड़ी की तरफ आपको नहीं जाना है, तो आपको एक नोटबुक में ये चीजें शॉर्ट लिस्ट कर लेनी है जिससे आप एक परफेक्ट गाड़ी ले पाओगे अपनी फैमिली के लिए और अपनी नीड्स के हिसाब से, और आप ओवर स्पेंड भी नहीं करोगे। सबसे पहला डिसाइडिंग पॉइंट होता है किसी भी कार के ऊपर कि आपको हाइब्रिड कार लेनी है, पेट्रोल कार लेनी है या फिर डीजल में लेनी है या फिर आपको मेरी तरह सीएनजी कार लेनी है। और जो भी लोग बोलेंगे कि भाई ईवी कार लेनी है, वो सबसे वाहियात कार लगती है मेरे को, क्योंकि भाई आप उसमें पहले ही 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो और अगर उसी वेरिएंट को अगर आप पेट्रोल या डीजल में लोगे तो आपको 4-5 लाख रुपए कम देने पड़ेंगे, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। और अगर आप उसको बाहर से चार्ज कराते हो तो आपको 1200 से 1300 रुपए का पर चार्ज पड़ता है, जो कि एक डीजल कार और सीएनजी कार भी इतनी ही पड़ेगी आप अगर उतने किलोमीटर चलाओगे तो। इसलिए मेरे को एक ईवी कार इतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती। तो इसलिए इस वीडियो में आज सिर्फ हम बात करेंगे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और हाइब्रिड कार्स की, इससे ऊपर की बात नहीं करेंगे। तो देखो अगर आप लोगों को पेट्रोल ऑप्शन डिसाइड करना है तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर आपकी रनिंग काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं निकलती आपकी गाड़ी, 50-60 किलोमीटर चलती है एक हफ्ते में सिर्फ, तो आपको जाना चाहिए पेट्रोल कार के ऊपर, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा 1-2 लाख रुपए देना डीजल और सीएनजी के लिए आपके लिए वैलिड नहीं होगा। और अगर आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है और अगर आपको ज़्यादा फन टू ड्राइव कार चाहिए कि आपको भाई इंस्टेंट पिकअप मिले, मस्त टॉर्क मिले और मस्त भगाओ उस कार को और उसके साथ आपकी रनिंग कॉस्ट भी कम हो, तो आपको जाना चाहिए एक डीजल कार के ऊपर, क्योंकि डीजल कार की रनिंग कॉस्ट कम होती है पेट्रोल के मुकाबले और वो काफ़ी फन टू ड्राइव होती है। और अगर आपकी रनिंग सिटी के अंदर है मेजरली और आपको रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम रखनी है और काफ़ी अफोर्डेबल रखनी है, तो आप एक सीएनजी कार भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने ले ली, क्योंकि भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है और ये सीएनजी के अंदर मेरे को 18 से 17 की एवरेज दे देती है और जब हाईवे पर जाता हूँ तो ये लगभग 30 से 35 की एवरेज भी दे देती है कई बार, तो इसलिए सीएनजी कार एवरेज के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। बट यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उसकी पावर और टॉर्क फिगर्स में, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी पावर कम मिलती है और थोड़ी इंस्टेंट नहीं उठती है गाड़ी, थोड़ी धीरे धीरे उठती है, बाकी ये चलाने में काफ़ी बढ़िया लगती है मेरे को तो। और अब बात करें हाइब्रिड कार की, तो हाइब्रिड कार पेट्रोल और डीजल के बीच का इंसान है हो गया तो देखो हाइब्रिड कार्स का ऐसा होता है, अगर आपको रनिंग कॉस्ट सीएनजी वाली चाहिए और परफॉर्मेंस पेट्रोल वाली चाहिए तो आपको एक हाइब्रिड कार परफेक्ट सूट करेगी, तो आपको एक हाइब्रिड कार के इंजन पे जाना चाहिए। और अगर आप लोगों ने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि आपको कौन से इंजन वेरिएंट के साथ जाना है और कौन से इंजन ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो फिर आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि आपको एक बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए या फिर आपको एक छोटी गाड़ी लेनी चाहिए अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। और ये सब करने के बाद आप लोगों को जो सबसे मेन चीज करनी है, जो कि इंडिया के अंदर काफी सारे लोग इग्नोर ही कर देते हैं, वो है कि भाई अपनी कार की सेफ्टी, कि आपको एक सेफ कार चूज करनी है और उन सबको एक कॉपी पे लिख लेना कि भाई ये कार मैंने चूज करी है और ये सारी कारों में इतनी सेफ्टी मिलती है और ये मेरे को इतने की पड़ रही है। ये सब करने की वजह से आपका डिसीजन मेकिंग काफी अच्छा हो जाएगा और आप एक परफेक्ट और एक सेफ कार चूज कर पाओगे अपनी फैमिली के लिए। तो तुम्हें एक सेगमेंट पता चल जाएगा कि तुम्हें इस सेगमेंट की कार लेनी चाहिए और ये कार तुम्हारी फैमिली के लिए एकदम बेस्ट रहेगी और एकदम सुटेबल रहेगी। जैसे तुम्हें ये पता चल जाएगा तो उस सेगमेंट की सारी कारों की आप लोगों को लिस्ट बना लेनी है एक कॉपी के ऊपर और फिर सबके एक एक बार कस्टमर रिव्यू देख लेने, क्योंकि कस्टमर भी बता सकता है कि कार में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। जैसे कि मैंने अपनी पंच की प्लानिंग करी थी उस टाइम पे मेरे पास एक और ऑप्शन था जो कि था एक्स्टर और मेरे लिए पंच एकदम बिल्कुल सुटेबल कार थी, क्योंकि मेरी फैमिली में सबकी हाइट 5'7" और 5'6" की लगभग ही है, इससे ज़्यादा नहीं है और हम 4 जने हैं फैमिली के अंदर, तो हमारे लिए ये कार एकदम परफेक्ट थी। और इसमें भी मेरे को 1-2 नेगेटिव पता चले बट वो नेगेटिव मैं झेल सकता था और इसके कॉम्पिटिशन में एक हुंडई की एक्स्टर आती थी, जिसका एक मेजर ड्रॉबैक मुझे उस टाइम पे पता चला कि वो ये था, इधर आओ, कि जो पीछे का ये टायर गैप होता है अगर आप 3 जने बैठ जाओ तो ये बिल्कुल चिपक जाता है वो एक्स्टर में, बट भाई पंच के साथ ऐसा नहीं है, पंच में ऐसा कुछ नहीं होता, एक्स्टर में ऐसा होता था, यही सिर्फ एक मेजर ड्रॉबैक था जिस वजह से मैंने एक्स्टर नहीं ली, बाकी एक्स्टर के अंदर इससे ज्यादा अच्छा और रिलायबल इंजन आता था, बट ये जो चीज थी मेरे को बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। और मेरे फैमिली में क्योंकि हम 5'7" 5'7" के तो है पर हम थोड़े मोटे हैं, ज्यादा हैवी है, क्योंकि भाई हम कुछ ज्यादा ही खाते पीते घर के, कुछ ज्यादा ही खा लेते
तो इसलिए भाई मेरे को गैप देखना पड़ा, तो इसलिए मेरे को एक पंच पे जाना पड़ा और मैंने इसलिए एक्सेल को कैंसिल कर दिया। और हाँ, जब मैं ये कार लेने गया था तब उस टाइम एक्सेल के अंदर सिंगल सिलेंडर वाली सीएनजी आती थी और इसके अंदर डुअल सिलेंडर आते थे, जिसकी वजह से इसके अंदर बूट स्पेस बन जाता है और एक्सटर के अंदर बूट स्पेस नहीं बनता। बट अब अपडेटेड एक्सटर के अंदर बूट स्पेस आने लग गया है। हाँ, बट अब भी एक्सटर के अंदर एक मेजर ड्रॉबैक ये रहेगा कि पीछे उसमें ज्यादा गैप नहीं मिलता। और फिर जब इस शॉर्टलिस्ट गाड़ी में जो आपको गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद आ रही होगी और जो सबसे ज्यादा आपके नीड्स के अकॉर्डिंग बेस्ट होगी, कि आपको लग रहा है कि भाई मेरी नीड्स ये है और ये सब फुलफिल कर पा रही है ये कार, तो आपको कार चूज कर लेनी है और फिर उसको आप लोगों को फटाफट लेने नहीं निकल जाना, आप लोगों को उसके अच्छे से कार रिव्यूज देखने हैं। आप लोगों को पेड रिव्यूज नहीं देखने, कस्टमर रिव्यूज देखने हैं, क्योंकि जो बंदा उस कार को ऑन कर रहा होगा वही उस कार की अच्छाई है और बुराई है बता सकता है आप लोगों को। और ये सब करने के बाद आप लोगों को एक परफेक्ट गाड़ी पता चल जाएगी कि आपकी फैमिली के लिए कौन सी है और आप एक परफेक्ट गाड़ी ले पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तुम्हें, तो भाई कार पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना, काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, गाड़ी को इधर उधर भी करना पड़ता है।